हेलो गाइस, आप देख रहे हो क्रिकेट विशाल। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है, आप एक अच्छे कैप्टन कैसे बन सकते हो। गाइस, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट क्यों है? गाइस, एक कैप्टन ही ऐसा होता है, अगर आपकी टीम का कैप्टन अच्छा है तो आपकी टीम हमेशा अच्छा करेगी। अगर आपका कैप्टन ही अच्छा नहीं है, टीम को लीड करने वाला ही अच्छा नहीं है, तो आप कभी भी अच्छा नहीं करोगे, ना आपकी टीम अच्छा करेगी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि सिर्फ एक कैप्टन के ऊपर हमारी टीम के 10 प्लेयर होते हैं और पूरी टीम ही होती है गाइस। अपने 12th मैन सब होते हैं, जो बाहर ही बैठते हैं वो भी कैप्टन के ऊपर ही होते हैं। तो एक अच्छा कैप्टन बहुत ज़रूरी है गाइस। अगर आप क्रिकेट अभी शुरू कर रहे हो तो आपको भी ये पता होना चाहिए अच्छा कैप्टन कैसे बनते हैं। अगर आप अच्छी बैटिंग करते हो, अच्छी बॉलिंग करते हो, तो उसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि अच्छा कैप्टन कैसे बनते हैं। तो आज मैं आपको पूरा बता दूंगा कि आप अच्छा कैप्टन कैसे बन सकते हो, और ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी आपको, इसलिए वीडियो को पूरा देखना और गाइज एंड तक देखना। चलिए गाइज, अब वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कैप्टन बनने से पहले आपको एक अच्छा प्लेयर बनना पड़ेगा। आप अगर एक अच्छे प्लेयर हो, उसके बाद ही आप कैप्टन बन सकते हो। अगर आप अच्छे बॉलर हो, अच्छे फील्डर हो, आप ओवरऑल अच्छा हो, क्रिकेट में अच्छा कर रहे हो, उसके बाद ही आप कैप्टन बनने की सोचो। आप अच्छा कर नहीं रहे हो, आप अभी क्रिकेट अभी अच्छा खेलना स्टार्ट नहीं किया, आपने नॉर्मल क्रिकेट खेल रहे हो और आप सोच रहे हो कि आप कैप्टन बन जाओगे, तो गाइज ऐसा नहीं होगा। आप किसी भी कैप्टन को उठा के देख लो वर्ल्ड में, वो पहले अच्छा प्लेयर था, उसके बाद वो अच्छा कैप्टन बना। आप अपनी अकेडमी में देख सकते हो, अपने डिस्ट्रिक्ट में भी देख सकते हो। अच्छा कैप्टन जो भी बनता है, वो जब टीम के लिए अच्छा करता है, वो टीम को मैच जिताता है, मैच विनिंग पारियां खेलता है, अच्छे विकेट लेता है, वही अच्छा कैप्टन जाके बनता है। आप किसी भी स्टेट में देख सकते हो, जो अच्छा एक्सपीरियंस वाला प्लेयर होता है उसको ही कैप्टन बनाते हैं। तो गाइज ये ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले प्लेयर अच्छा बनना है, अच्छे रन करने टीम के लिए, उसके बाद आप कैप्टन की सोचो। पहले ही मत सोचो, सबसे पहले आपको क्रिकेट अच्छी तरह सीखना है। उसके बाद आपको बता दूं मैं, अगर आप अच्छा खेल रहे हो, अच्छी टीम के लिए कर रहे हो, तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए अगर आपको अच्छा कैप्टन बनना है। गाइज मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, कैप्टन के अंदर जो सबसे बड़ी खूबी होनी चाहिए गाइज, धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, वो कभी भी हाइपर ना हो। अगर आपको बड़ा कैप्टन बनना है, धोनी जैसे कैप्टन बनना है, आप उनको भी देखते हो, मैच अगर फंसा हुआ है वो उस टाइम भी नॉर्मल रहते हैं, और मैच अगर उनके साइड है वो उस टाइम भी नॉर्मल रहते हैं। तो आपको उनसे यही सीखना है, आपको कभी भी अपने धैर्य नहीं खोना है, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले बता रहा हूँ। क्योंकि अगर आप हाइपर होगे, आप एग्रेसिव हो जाओगे अपने प्लेयर के सामने, गाइज मान लो किसी बॉलर के रन लग रहे हैं, तो आप उसके सामने एग्रेसिव हो जाओ, उसको डांटने लगो, तो वो और ज़्यादा रन देगा। अगर आप नॉर्मल उसको समझा रहे हो, उसको मोटिवेट कर रहे हो, तो वो और अच्छा करेगा। तो ये सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात, आपको अपना धैर्य लूज नहीं करना है, आपको पेशेंस रखना है। कुछ भी हो सकता है गाइस, T20 में तो कैप्टन आप देखते होंगे, T20 में जो भी कैप्टन होते हैं ज़्यादा कूल रहते हैं, आपको भी कूल रहना है। अगर आप जितना कूल रहोगे उतने डिसीजन आप अच्छे ले सकते हो। तो सबसे पहले अपना धैर्य लूज नहीं करना है, पेशेंस लूज नहीं करना है, और गाइस हाइपर नहीं होना है। अगर आपको अच्छा कैप्टन, आप ऊपर लेवल कैप्टन बनना सोच रहे हो, तो धैर्य नहीं खोना है। आपको अपने प्लेयर्स के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपके प्लेयर जो 11 खेल रहे हैं, आपने डिसाइड कर लिया कि ये 11 खेलेंगे कोच से बात करके, तो उन 11 के ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए। अगर एक ओवर किसी का खराब हो गया, तो आपको उसको वहीं पर डांटने लगानी है। सबसे ज़्यादा जो गलती करते हैं, जो नए कैप्टन बनते हैं, क्या गलती करते हैं गाइज, वो वहीं पर डांटने लगते हैं, प्लेयर्स को वहीं पे बोलने लगते हैं कि तू कैसा प्लेयर है, तूने वहीं पर रन खा लिए। ऐसा आपको कभी नहीं बोलना है, आपको अपने प्लेयर्स के ऊपर भरोसा होना चाहिए। अगर एक ओवर खराब हो गया, तो आपको उसको दूसरे ओवर में उसको बोलना है, तू अच्छा है, एक ओवर खराब हो तो अच्छा अगला ओवर होगा। कोई प्लेयर आपका आउट हो गया 0 पे, उसको डांटना नहीं है, क्योंकि बैटिंग के बाद फील्डिंग भी ज़रूरी होती है, वो फील्डिंग भी करेगा। अगर फील्डिंग में उसने कैच छोड़ दिया, तो आपकी टीम पक्का मैच हार जाएगी। गाइज एक दिन आपका अच्छा होगा, एक दिन बुरा होगा, आपके प्लेयर्स के साथ भी ऐसा ही होगा, एक दिन अच्छा होगा, एक दिन बुरा होगा। तो पर आपको उसको वहीं पे पूरा मैच में नहीं निकाले, आप मैच के बाद मीटिंग कर सकते हो, उस टाइम उसको बोल सकते हो, तो आपको कभी मैच के अंदर नहीं बोलना है सबसे पहले। और गाइज कैप्टनशिप में आपको क्या करना है, हमेशा चेंजिंग आपको अच्छे करने पड़ेंगे, चेंज आपको देखना पड़ेगा, दूसरी टीम कहाँ पे ऊपर जा रही है वहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। आप सोच रहे हो कि नॉर्मल मैं कैप्टन बन जाऊँ और टीम चलने तो जैसे चल रही है, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने ऊपर डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कौन सी टीम कहाँ ऊपर जा रही है हमारे से, उस टाइम आपको अपने अच्छे बॉलर लगाने पड़ेंगे। आपको लग रहा है आपकी जरूरत ज़्यादा कहाँ है, आपको क्रीज पर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि आपका रोल भी उतना ज़्यादा है। अगर आप अच्छा करोगे, आप देख सकते हो जैसे रहने हैं, फर्स्ट सेकंड टेस्ट मैच में जो विराट कोहली वापस इंडिया, उसके बाद उन्होंने खुद सामने से लीड किया, तो आपको सामने से लीड करना है। अगर आप बॉलर हो, बैट्समैन हो, सामने से लीड करो, आप बैटिंग पे जाओ सामने से लीड करो, आपको पीछे नहीं जाना है कि प्लेयर्स करेंगे, आपको उनको सामने से रोल मॉडल बनना है कि हाँ मैं बेस्ट करूंगा, मेरी टीम भी अच्छा करेगी। तो आपको सामने से लीड करना है और चेंजेस अच्छे से करने हैं, चेंजेस जब अच्छे से करोगे, जब भी आपकी टीम जीतेगी। और गाइस हमेशा टीम को पूरे को साथ लेके चलना है, कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि दो प्लेयर आपने उधर छोड़ दिए, दो प्लेयर इधर छोड़ दिए, हमेशा टीम के साथ चलना है, टीम को साथ लेके चलना है। टीम को साथ लेके चलोगे गाइस, 11 प्लेयर मैच को जिताते हैं। आप सोच रहे हो एक प्लेयर आप अकेला मैच जिता दोगे, आपके कोई 5 फेवरेट प्लेयर है वो जिता गए, तो ऐसा नहीं होगा, आप पूरी टीम को साथ लेके चलोगे, वही आपको मैच जिताएगी। यही बात सबसे ज़्यादा जरूरी है क्रिकेट में, अगर 11 आपके पूरे साथ है जब भी आप मैच जीतोगे, तो 11 टीम जो आपकी 11 की टीम है, 12 की टीम है, 12th मैन भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, जब आपको पानी ला के देता है या कुछ भी ओवरऑल काम होता है, 12th मैन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो सबको आपको साथ लेके चलना है। और गाइज
मैच से पहले आपको टीम मीटिंग करनी है, बात करनी है कि सब प्लेयर्स को मोटिवेट करना है। मैच से पहले आप टीम मीटिंग करो, जो भी आप कोई भी लेवल खेल रहे हो गाइस वो नहीं, जब आप छोटे लेवल पे ऐसे करोगे तो आपको पूरी आदत हो जाएगी, आपका माइंड भी ऐसे ही चलने लगेगा। तो आपको टीम मीटिंग मैच से पहले भी करनी है और मैच के बाद भी बात करनी है, चाहे मैच हार रहे हो चाहे जीत रहे हो, उसके बाद भी आपको बात करनी है, सब प्लेयर्स को बताना है कि आपने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया। ये भी मैच हारने और जीतने के बाद बराबर होता रहना चाहिए। स्टार्टिंग में बात करो कि क्या मैच में हम कर सकते हैं, दूसरी टीम कैसी है, विकेट कैसा है, उसके बाद भी बात करो कि आज हमने क्या गलती की और क्या अच्छा किया। और गाइज हमेशा आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा मैच खेलो, कैप्टनशिप ज़्यादा से ज़्यादा मैच करो, उसके बाद ही सीखो। गाइज क्या होता है, एक मैच में आप सब कुछ नहीं सीख सकते, आप जितने मैच में कैप्टनशिप करोगे नई बातें सीखोगे कि कब प्रेशर में क्या होता है, उस टाइम चेंजेस कैसे होते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मैच में कोशिश करो कैप्टनशिप करने की। सबसे पहले कैप्टन का बनने का उस टाइम सोचो जब आप अच्छी परफॉर्म कर रहे हो, अगर आपकी अच्छी परफॉर्म नहीं हो, आप पूरी टीम को भी लीड करना सोच रहे हो तो आप और ज़्यादा प्रेशर में आ जाओगे। तो साथ साथ में कोशिश करो पहले अच्छे रन करो, उसके बाद कैप्टन का पूरा रोल आपको मैंने बता दिया ऐसे करना है। तो यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको अच्छा कैप्टन बनना है ये सारी खूबी आपके अंदर होनी चाहिए, जब ही जाके आप एक अच्छे कैप्टन बन जाओगे अपने डिस्ट्रिक्ट के भी और जितना भी ऊपर आप खेलोगे, ये सब बातें होती है जो मैंने अपने नज़रिए से कैप्टनशिप में देखी। और गाइस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कुछ भी आपकी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो लाता रहूँगा। और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें, क्रिकेट विद विशाल सेम अकाउंट है, वहाँ पे सपोर्ट दिखाओ गाइस, वहाँ पे भी सपोर्ट चाहिए आपका। मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइस।